मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैंने बोला था कि मतलब मैंने क्यों नहीं वीडियो क्लिप बोला था, तो आई एम सॉरी, इसके अगले वाला वीडियो क्यों नहीं वीडियो होगा। अभी मैं जा रही हूँ दीदी के वहाँ, तो आज मेरा जाना वहाँ ज़रूरी है, जिस वजह से मैं भी क्यों नहीं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। तो कल मैं या आज शाम को या आके मैं वीडियो शूट कर दूंगी। तो अभी ऐसा करते हैं, फटाफट से तैयार होती हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। बस देखूंगी मुझे कोई भी मिलेगी वहाँ तक, तो बस तैयार हो जाती हूँ पहले। तो मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ, लाइट्स वगैरह सारे बंद कर देती हूँ। और मैं इतनी मोटी लग रही हूँ ना, मैंने इतनी सारी लेयर्स पहनी है ना, बहुत ज्यादा ही। और नीचे भी मैंने ट्रिपल लेयर करी, एक अंदर से पतले वाली लोअर पहनी, उसके बाहर से मोटा वाला पजामा, एंड देन बाहर से ये पहना हुआ है अपनी ट्राउजर। और ऊपर से तो मैंने शायद 5 लेयर पहनी है, 1 2 3, इसके अंदर चौथा जैकेट। और जैकेट पहले ही पफर जैकेट है, और मैं इतनी ज्यादा मोटी लग रही हूँ ना, बहुत ही बैसी लग रही हूँ मैं। तो अब निकलते हैं फटाफट। और हाँ, मास्क पहन रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडी है। शाम को हो सकता है मुझे बाइक पहनना पड़े। और मास्क पहन रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही है गाइस। उन लोगों की तरह नहीं जो सोचते हैं कि वो तो मास्क पहनती है अपने चेहरा छुपाने के लिए, बड़ी सेलिब्रिटी बनती है। थोड़े थोड़े ताने तो मारने ही पड़ते हैं क्योंकि मुझे मजा आता है जब मैं ऐसे सुनती हूँ ना कि लोग मेरे बारे में सोचते ऐसे होते हैं, फिर मुझे वहां से लोगों की सोच का पता लगता है। ऐसी भी सोच होती है। चलो हो गया, बाय। और शॉल मैंने उतार दिया क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी लग रही थी उससे, और इसमें मैंने डाला अपना स्टॉल और हेलमेट शाम के लिए। बाय बाय। इतना कीचड़ कीचड़ हो गया है ना, मौसम काफी ठंडा ठंडा है। बस स्टैंड पहुंच गया, देखती हूँ बस मिलती है कि नहीं मिलती है। 2000 years later हाय दोस्तों, तो मैं पहुंच गई थी काफी पहले, और उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह करा, और अभी हम जा रहे हैं एमी को लेने। एमी स्कूल से आ रही है और उसको पता नहीं है मैं आई हूँ। देखते हैं वो खुश खुश होएगी कि नहीं होएगी। चलो चलते हैं। और अभी बारिश शुरू हो गई, ऊपर ऊपर दिख रहा है हमारे को ऐसे, उधर स्नोफॉल हुआ है तो मस्त लग रहा है ना, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो वीडियो के लिए नमस्ते। सोइए। अच्छा बाद में दिखाऊंगी, अभी यहाँ से कवर है ना, अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। उधर उधर निथर दिख रहा है यहाँ से, वो देखो उधर। ठीक ठीक चलो, अब एमी को लेके आते हैं पहले। एमी आ गई हमारी, एमी रानी स्कूल से। तो अभी हम जा रहे हैं एमी के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेने, क्योंकि मैं सीधा ही बस में आ गई थी, मैं उसके लिए चीज़ें लेके नहीं आई थी। थोड़ा सोचो अभी उसके लिए कुछ चीज़ें विज्जी ले लेते हैं। वो आ गई एमी। हेलो एमी, कैसे हो आप? हाँ जी अभी मैं आई हूँ। मस्ते जी मस्ते जी मस्ते, कैसे हो आप? क्या खाएंगे आप? काम है ठीक है ना? क्या खाएंगे आप? ब्रेड जैसा। अच्छा जी, और मेरे को चिप्स दे दो। ये वाली खाती है? कौन सा? वो कौन सा? उफ, वापिस चल पड़े। थोड़ी बहुत सी चीजें चीजें ली, और यार आज मौसम इतना खतरनाक वाला वो है ना, मतलब तगड़ा ही। उधर ऊपर ऊपर तो स्नोफॉल हो रही है इधर, बट बारिश भी नहीं हो रही। थोड़ी देर में वैसे बारिश हो ही जाएगी, और हमको आज शाम को वापस जाना है बाइक पे, तो बहुत बड़ा टास्क होने वाला है शाम को बाइक पे। वाह यार, उधर देखो दीदी, ऊपर बर्फ भी लग पड़ी। उधर स्नोफॉल हो रही है, ठुमक ठुमक जब तू पहाड़ी। बीच में ब्लॉग क्यों छोड़ते हो? अब बनाऊंगी मैं ब्लॉग। अच्छा कंटिन्यू, ठीक है ठीक है। एमी को भैया, एमी हमारे रोज व्लॉग देखती है, तो इसको हर दूसरे दिन शिकायत होती है कि आज व्लॉग नहीं बनाया, आज व्लॉग नहीं बनाया। तो हम डेली व्लॉग बनाएंगे, ठीक है ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, अब गुड नाइट थोड़ी, अभी दिन है बुधू। अच्छा दिन है, ओके सॉरी गाइस, हमें नहीं पता था अभी दिन है। बाय बाय। अभी हम थोड़ा इधर बाहर ही रील्स बना रहे थे, अभी मेरी वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है। इतना अच्छा मतलब ठंड नहीं आज ना, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जैसे बारिश वगैरह, उतनी ठंड है नहीं, बट मतलब अच्छा मौसम है काफ़ी। ऐसे बाहर घूमा, पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने, उस वजह से मुझे नहीं लग रहा, बट उतनी ठंड नहीं है आज। अभी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है आपको? देखो स्वेटर पहनी है इसने। गाइस अब हम रील बना रहे हैं यहाँ पर, रील में पापा जी ने बनाई तो है, हमें कैसी कैसी बनी हुई। अभी स्क्वायर को तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास है, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे बच्चा सुलाया गया है, ये देखो।
कद्दू कद्दू कद्दू। गाइस अब मैं चल पड़ी हूँ वापस। आज पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं किया, बस गप्पे शप्पे ही लड़ाई, और अभी मैं एकदम पैक हो गई हूँ क्योंकि ठंड लगने वाली है, हम लोग बुलेट पे जाएंगे। बाय 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 गाइस, बाद में मिलती हूँ आपसे। गाइस ये रही मेरी सवारी, तो मैं आपको सीधा मिलती हूँ आगे जाके। और अब डिनर विनर की तैयारी करनी पड़ेगी। डिनर में मैंने आज सुबह के मूंग भिगोने को डाल के रखे, तो भी हम बनाएंगे मूंग की दाल, और मैंने चढ़ा भी दिए वैसे पीछे। और पता नहीं सुबह तो मेरा बहुत मन था मूंग की दाल खाने का, बट अभी ऐसे मन हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है मूंग की दाल। पहले मैं मूंग की दाल बिल्कुल नहीं खाती थी, बट अब मैंने शुरू किया मूंग की दाल, क्योंकि मोटी दालें खा खा के, राजमा खा खा के हम राजमा जैसे मोटे मोटे हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये घर से कुछ सामान आया है, और हमने कुछ सामान लेके भी आए थे हम शॉप से, तो इनको सेट वेट करती हूँ। और ये सासू माँ का दूध, सासू माँ ने दूध भेजा है, और ये घी और पनीर। ये देखो अब मतलब हमारे हिस्से का दिया हुआ है इनको, ये था कि उन्होंने घर में पनीर निकाला, क्योंकि दो दिन बर्फ की वजह से दूध नहीं ले जा पाए, तो फिर उन्होंने उसका पनीर निकाल लिया। और फिर उनको ये था कि हमने खा लिया, वो दो रह गए, दीदी को भी दे दिया था मम्मी ने, फिर उन्हें हमारे को भी भेज दिया। तो ये सारा सेट करती हूँ, दूध बॉइल करके रख देती हूँ। पीछे देखो कैसे आके ना भी शूज वगैरह वो शू रैक का कैसे खुल के रखा हुआ है, पतिदेव के काम। हमारा आज का डिनर तो यही हो गया, दलजीत का हो गया, मतलब मेरा तो नहीं हुआ। मैं अभी और खाना खाऊंगी, मैंने एक ही बाइट लिया और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे पसंद है, बट आज पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है मेरा खाने का, तो मैं वही खाऊंगी मूंग की दाल। वैसे तो मैं सोचती मूंग की खिचड़ी बनाऊँ, पर दलजीत ने बोला कि फिर दाल ही बनाते हैं, अब दाल चावल ही खाएंगे। खिचड़ी के लिए हमारे पास दही नहीं थी, लस्सी भी नहीं थी। सो मेरे प्यारे प्रियो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अभी अभी मेरे को दीदी की कॉल आई थी अलूडी की, तो फिर जब मैं आई थी ना, वो उच्च ब्राइटनेस की नहीं बढ़ गया, जब मैं आई थी तो एमी सो गई थी, वो दिन के टाइम सोती है, तो वो सोई थी, और मतलब उसको पता नहीं चला कि मैं आ गई हूँ, वो सोई थी। उसके बाद जब वो जागी, और अभी 6:15 दीदी ने मेरे को कॉल किया, और वो रो रही थी कि मासी कहाँ गए, मासी कहाँ गए। वो पूरे दिन मेरे को यही बोल रही थी कि मासी आज आप मेरे साथ सोएंगे ना, मासी आप आज मेरे साथ सोएंगे ना। तो फिर उस करके उसके बाद रोने लग गई कि मासी कहाँ गए, अचानक से सो क्यों उठी, बोलते उसी दिन रोने लगी। मैं पूछा क्यों रो रही है, बोलते आज मासी कहाँ गए, तो मासी उसके भागे। एक बार उसने पीछे भी किया था, तभी मैं दीके वहाँ गई थी, और उस टाइम भी मैं आ गई, तब मेरा कॉलेज था, और वो पूरा दिन भर रोती रही, मासी के कॉलेज जाना, मैंने भी कॉलेज जाना, दीदी स्कूल पहले स्कूल पढ़े फिर कॉलेज आई हो, नहीं मैंने कॉलेज जाना। दीदी क्यूट है वो। तो चलो इस वीडियो कट करते यहीं पर, मिलते आपको नई वीडियो में, क्यों अन्य वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो क्यों अन्य वीडियो होने वाली, आज मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को वहां जाना था, तो फिर कल मैं करूंगी। ठीक है, बाय।